नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत है और आप देख रहे हैं मेरी जान कोटद्वार। दोस्तों, आज हम मैं बात करने जा रहा हूँ टैक्सियों की हड़ताल के बारे में, जिसने उत्तराखंड में हाहाकार का माहौल उत्पन्न कर रखा है। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जीप टैक्सी यूनियनों की हड़ताल के चलते लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है यहाँ पर उत्तराखंड में। भूखे प्यासे घंटों बसों के इंतज़ार में, गर्मी से जिनको जूझना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि जो ये हड़ताल चल रही है तो पहाड़ी क्षेत्रों में इधर उधर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग भूखे प्यासे घंटों तक बसों का इंतज़ार कर रहे हैं और गर्मी का सामना भी उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि सर्दियों में जो गर्मी होती है वो एकदम से काफ़ी तेज़ धूप निकलती है, तो जिस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर जीप टैक्सी नहीं चलने से बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों ओर सन्नाटा है, क्योंकि कोई गाड़ी वाड़ी तो चल रही है नहीं, तो इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, पुराने जीप टैक्सियों पर गति नियंत्रण उपकरण लगाने के विरोध सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर 26 सितंबर से टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक क्षेत्र को छोड़कर नई टिहरी, चंबा, लमगांव, कड़ीसौण, नरेंद्रनगर, घनसाली में सभी 760 जीप टैक्सियों के पहिए पूरी तरह जाम हैं। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, हर एक गाड़ी में गति नियंत्रण उपकरण लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आए दिन हम देख रहे हैं कि बहुत से हादसे हो रहे हैं स्पीड के चलते पहाड़ी इलाकों में, तो इसलिए गति नियंत्रण उपकरण तो बहुत ही ज़रूरी है। और जो ये 15 सूत्री मांग है, ये हड़ताल मुझे लगता है कि तब तक ही चलेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, हालांकि TGMO कंपनी ने अन्य दिनों की अपेक्षा शनिवार को 15 अतिरिक्त बसों की सेवाएं बढ़ाई हैं, क्योंकि जब बसें नहीं चलेंगी तो आवागमन में परेशानी होने का पूरा चांस है, इसलिए 15 अतिरिक्त बस यहाँ पर चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए समय पर वाहन नहीं मिल रहे हैं, जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ग्रामीण संपर्क मार्ग गजानकोट, गुत्तू घनसाली, सीताकोट, भटगांव, छतियारा, खवाड़ा, लमगांव, सेमुखेम, उपली रमोली पट्टी के मुखमाल गांव के लिए बसों की सेवाएं उपलब्ध न होने पर लोगों को पैदल दूरी भी नापनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये काफ़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर ये हड़ताल ऐसी चलती रही तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। और दोस्तों, बोराड़ी से घनसाली जा रहे दिनेश घिणियाल ने बताया कि 2 घंटे से वह बस का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बस नहीं मिल रही है। नई टिहरी और चंबा के बीच निजी वाहनों से लिफ्ट मांगकर लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी परेशानी का सबक बन चुका है। अगर ये हड़ताल ऐसी चलती रही तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। और जितने भी आप भाई बहन, जितने भी लोग हैं बाहर रहते हैं, वो अपने गांव जाने की सोच रहे होंगे, तो उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उनको तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या स्थिति उत्पन्न हो रखी है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।